अगले 24 घंटों के लिए आर्यन भाई बन चुके हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर। देखते हैं कि वो अगले 24 घंटों में क्या क्या करते हैं। आज मैं बन चुका हूँ चीफ मिनिस्टर, और गाइस आज अपन सॉल्व करने वाले हैं इस शहर की प्रॉब्लम्स। गाइस अपन स्टार्ट करने वाले हैं पॉल्यूशन से। भाई इस शहर पे पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है ना कि अब वो कम हो ही नहीं सकता है आर्यन भाई। क्या बोला, कैसे कम नहीं होगा भाई, बिल्कुल कम होगा। गाइस पॉल्यूशन कम करने के लिए पेड़ लगाने चाहिए, तो आज अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन 1.5 लाख पेड़ लगाने वाले हैं, ठीक है। नहीं, मैं नहीं मानता। चलो बढ़िया है भाई, इधर उधर सुसु करने का स्पॉट ढूंढता रहता हूँ। इतने सारे पेड़ रहेंगे, किसी भी पेड़ में सुसु कर दूंगा। हाँ तेरे सुसु करने के लिए तो पेड़ लगा रहा हूँ मैं। चलो भाई, ड्राइवर गाड़ी निकालो। मेरा गरीब सा चीफ मिनिस्टर है भाई, इसके पास पर सिर्फ एक ही गाड़ी है। ए चल तो, तू जल्दी से अंदर आ, ठीक है। मेरा क्या होगा। हाँ भाई तू भी आना। गाइस तो अभी हम जा रहे हैं काफी सारे पेड़ लगाने के लिए, लेकिन अभी मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, ये इतने सारे पेड़ हम अकेले नहीं लगा सकते। और गाइस मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। अगर आप लोग पेड़ लगाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, 1 subscribe = 1 tree। गाइस तो हमने ये वाली जगह चूज करी है पेड़ लगाने के लिए, और हमने ऑलरेडी काफी सारे पेड़ लगा चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि सब्सक्राइब करने वाले बंदे कितने कम है, इसलिए गाइस यहाँ कितने कम पेड़ लगे हैं। यार आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, गाइस आप लोग सब्सक्राइब करो, यहाँ पर पेड़ की क्वांटिटीज देखना धीरे धीरे बढ़ने वाली है। देखते हैं गाइस कितने लोग एक्चुअल में सब्सक्राइब करते हैं, वैसे यहाँ पे पेड़ की क्वांटिटीज बढ़ेगी। ओ माय गॉड गाइस, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपने काफी सारे पेड़ लगवा दिए हैं। ऑलराइट गाइस, हमने ये वाली जगह इसलिए चूज करी क्योंकि ये शहर के एकदम बीचों बीच है, और यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत रहता है तो पॉल्यूशन भी बहुत होगा। अब धीरे से गाइस ये सारे के सारे जो पेड़ है ना, ये सीधा सॉइल्स में अपन लगा देंगे। और गाइस ये सारे काम मैं अकेले नहीं करूंगा, इसलिए यहाँ पर है और भी काफी सारे लोग, ये सारे लोग हमारी पेड़ लगाने में मदद करेंगे। लेकिन गाइस अपन यहाँ से भी चलते हैं नेक्स्ट वाले काम के लिए, क्योंकि गाइस नेक्स्ट वाला काम और भी ज्यादा खतरनाक और जरूरी है। आर्यन भाई ऐसा कौन सा नेक्स्ट काम है, जरा मुझे भी तो बताना। भाई ऐसा कौन सा नेक्स्ट काम है, ये तो तुझे आगे चल के ही पता चलेगा। गाइस देखो जो नेक्स्ट काम है मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग काम है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि यहाँ पर शहरों में मैंने देखा है कि काफी लोग आते हैं कि उनकी कोई मदद कर दे, या फिर वो लोग भीख मांगते रहते हैं। लेकिन गाइस मैंने ये सोचा है कि अगर वो बंदों को कैसे भी करके पैसा कमाने का कोई ऑप्शन मिल जाए, फिर तो वो लोग की लाइफ सेट है। तो गाइस अपन कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे जितने भी बंदे जिनको जरूरत है उन सबको कोई काम मिल जाएगा। भाई उसके लिए अपने पास एक बहुत स्पेशल इन्वेंशन है गाइस। गाइस तो यहाँ पर ऐसे काफी सारे जरूरतमंद लोग खड़े, और हम लोग उन्हें ऐसी ऐसी चीजें देने वाले हैं गाइस जिससे वो लोग अपने आगे का काफी इजीली से समय काट सके। तो गाइस अगर हम यहाँ पर इतने सारे बंदों को टैक्सी गिफ्ट करते हैं तो गाइस वो आगे इजीली टैक्सी चला के आराम से अपना घर वर चला सकते हैं। तो गाइस जिसको जो भी जरूरत होगी हम उनको बोलेंगे, अगर किसी को पीसी लैपटॉप की जरूरत होगी तो हम वो देंगे, और अगर किसी को टैक्सी की जरूरत होगी तो गाइस अपन लिटरली टैक्सी गिफ्ट कर देंगे। भाई बात करते हैं, हेलो अंकल एक बात बताओ, आपको क्या अच्छे से ड्राइविंग करनी आती है। हाँ बेटा बहुत बढ़िया। ऐसा है क्या, तो आप एक काम करो आप वो टैक्सी उठा लो यार। अरे वाह थैंक यू बेटा, धन्यवाद धन्यवाद, तुम्हारा बहुत भला हो, मुझे टैक्सी की बहुत जरूरत थी बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अरे अंकल चलता है यार, वैसे भी अपन तो आज के सीएम बने। और राइट अंकल, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि शायद आपको पैंट की जरूरत है, एक काम करो भाई इसे साइड में जाके पैंट दे दो तो। अरे हाँ मुझे पैंट की बहुत जरूरत है, मुझे पैंट दे दो। अंकल जी मैं आपको पैंट देता हूँ, साइड में आ जाओ, हमारी गाड़ी में बहुत सारे कपड़े भी रखे हैं, हम सबको कपड़े भी देंगे। ऑलराइट नेक्स्ट, अंकल जी एक बात बताओ आप मेरे को, आपको क्या है गाड़ी चलाना आता है। अरे नहीं बेटा इस उम्र में क्या गाड़ी चलाऊंगा। लैपटॉप चलाना आता है या फिर कंप्यूटर चलाना आता है। मुझे फोन चलाना आता है बेटा। ऐसा है क्या, ये लो ये वाला फोन उठाओ अंकल, और आप यहाँ से जाओ आराम से ना, अपनी जिंदगी एंजॉय करो यार, कुछ तो पैसा कमा सकते हो आप फोन से भी। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, मैं अपने बच्चे को दे दूंगा फोन, वो स्मार्ट क्लास अटेंड करेगा। ऑलराइट नेक्स्ट, चलो अंकल आप बताओ आपको क्या चाहिए।
बेटा मुझे वो PS5 चाहिए था, मेरा बेटा कब से रो रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे PS5 दिला सकूं, मुझे PS5 दे दो बेटा। अरे ऐसा है कि अंकल ये लो, आप ये PS5 रख लो भाई, मैं तो बोलता हूँ आप दो PS5 रखो ठीक है, एक PS5 अपने बेटे को देना और दूसरा आप खेल लेना अंकल। और मैं तो बताता हूँ आप PS5 खिलाने की जगह एक काम करो, आप PS5 को बेच दो अंकल और जो पैसा है ना उससे आप कुछ कर लेना ठीक है। अरे वाह थैंक यू बेटा थैंक यू। ऑलराइट गार्ड्स तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहाँ पे जो जो मांग रहे ना वो चीज देते जाओ, मैं आगे के काम जाता हूँ भाई, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं और उसमें से भी भाई कितना टाइम तो निकल गया है, अब तो 24 घंटे बचे भी नहीं है, तुम लोग यहाँ पे संभालो मैं आता हूँ। अरे भाई अब हम कहाँ जाने वाले हैं? भाई अब अपन जहाँ जाएंगे ना वो कहीं ऐसी जगह नहीं है, वो बहुत नॉर्मल जगह है। अच्छा अच्छा ये बताओ कि हम वहाँ पर क्या करेंगे अरिन भाई? भाई हम वहाँ पे कचरे साफ करेंगे। मुझे कोई साफ नहीं करेगा। अरे भाई चौप कचड़े का मतलब असली कचड़े की बात कर रहा हूँ मैं। अरिन भाई अब मेरी बात तो नहीं कर रही हूँ ना, आई मीन तू असली कचरा है पर मैं एक्चुअल में देख जैसे यहाँ पे कूड़ा पड़ा है ना रोड पे, देख इतने सारे कूड़े पड़े हैं यार, ये बंदे जो है ना ये कूड़ा यही पे गाइस, ये देखो ये कितना बेकार लग रहा है, मतलब हमारा इतना अच्छा प्यारा प्यारा शहर है लेकिन नहीं, ये लोग को कोल्ड ड्रिंक पी के यहीं फेंकना है, अच्छी अच्छी चीजें खा लेंगे और घटिया घटिया रैपर छिलके ये सब फेंक देते हैं। गाइस अपन एक काम करते हैं, अपन एक बहुत बढ़िया कैंपेन स्टार्ट करते हैं जिसमें गाइस हम लोग सारे के सारे कचड़ों को डस्टबिन में डालने वाले हैं, और गाइस इसके लिए अपन एक बहुत बढ़िया जगह जा रहे हैं जो कि इतनी गंदी है ना उसे साफ करते करते बहुत समय लग सकता है, लेकिन अपन आज उसको साफ करके रहेंगे। ऑलराइट गाइस अपन यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ना गाइस ऑलरेडी काफी सारे लोग हमारा वेट कर रहे हैं, और मैं आपको एक चीज सच सच बताऊँ तो गाइस ये वाली जगह ये सबसे ज्यादा गंदी रहती है, यहाँ पे काफी सारे खाने की जगह है तो लोग अच्छे से खाते पीते हैं और गाइस फिर यहाँ पे ऐसे कचरा फेंक के चले जाते हैं, तो आज हमें यही कचरा साफ करना है और बाकी लोगों को भी सिखाना है कि भाई ऐसे कूड़ा मत करो यार, इस कूड़े को भाई कूड़ेदान पे डालो। गाइस आप लोग देख सकते हो मतलब इस शहर पे गाइस गंदगी का नामो निशान मिटा देंगे अपन ठीक है, एटलीस्ट गाइस 24 घंटों के लिए सही लेकिन अपन ये करने वाले। ऑलराइट बॉयज एक काम करो, यहाँ पे जितने कचरे दिख रहे हैं ना सारे कचरे साफ कर डालो। अरिन भाई आप नहीं करोगे क्या? जरा आप भी तो कूड़े साफ करो। अरे हाँ भाई हम भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे यार, इनफैक्ट हम लोग ही सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। गाइस अपने को देख के बाकी लोग भी करने लग जाएंगे, तो अपन सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाई शिनचैन तू क्या ऐसे ही खड़ा रहेगा, तू भी साफ सफाई चालू करना, तू क्या देख रहा है? अरे अरिन भाई मैं आपके लिए तालियां बजाऊंगा ना, मुझे कौन सी दिक्कत है? हाँ भाई तू मेरे को ताली बजा के मोटिवेट कर, मैं साफ सफाई करता हूँ ठीक है। ऑलराइट गाइस लगता है हमें देख के बाकी के लोग भी ना वो देखो साफ सफाई करना चालू तो कर दिया है, ठीक है मुझे लगता है थोड़ी देर में बाकी के लोग भी स्टार्ट कर देंगे। गाइस देखो हम लोग को देखते ही देखते यहाँ पे आसपास के लोग भी यहाँ से गाइस सारे कचड़े उठाने लग गए, और ये काफी बढ़िया लग रहा है देखने में, आई मीन गाइस इससे बहुत जल्दी हमारा कचड़ा साफ हो जाएगा। इनफैक्ट गाइस मेरे पास एक बहुत क्रेजी आइडिया है, भाई शिनचैन जल्दी मेरे पीछे आ। इनफैक्ट गाइस मैं तो ये सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक बहुत प्रॉपर एक रैली निकालते हैं जिसमें हम जोर जोर से बजाएंगे कि गाइस कूड़ा को कचड़े दान में डालो। गाइस अगर अपन सच बताएं तो लोग इधर उधर फेंकते रहेंगे, और अगर हम यहाँ पे जोर जोर से स्पीकर से बजाएंगे ना कि कचड़ा इधर उधर नहीं फेंकना है तो गाइस सारे बंदे डर जाएंगे और सब कूड़े को कूड़े दान पे डालेंगे, तो गाइस मेरे पास एक बहुत मस्त आइडिया है। ऑलराइट ना घर पे ना मैं माफ करना तो थोड़े रोल मारने के चक्कर में मैं हाथ तोड़वा लिया, ना घर पे ना मैदान पे कूड़ा कूड़े दान पे, ना घर पे ना मैदान पे कूड़ा कूड़े दान पे। अरे बोलो बोलो भाई सब बोलो, आज से यहाँ पे सारे जो कचड़े हैं वो डस्टबिन के अंदर दिखने चाहिए, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारे डस्टबिन भी लगा रहे हैं, आप सभी लोगों को स्पीकर से जोर जोर से आवाज सुनाई दे रही है, अगर इसके बाद भी कोई गलती करता है तो उसे फाइन देना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस अब अनटचड जगह पे कोई कचरा ना फेंके इसलिए हम बहुत सारे डस्टबिन का भी यहाँ पे अच्छे से बंदोबस्त कर दिए है। ऑलराइट गाइस तो यहाँ पे जितने कचरे थे वो सारे हमने बंद करके रख दिए अंदर, और काफी सारे डस्टबिन भी यहाँ पे आ गए हैं, और गाइस ये सारे डस्टबिन अलग अलग कोनों पे आराम से थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अब अपन यहाँ से चलते हैं अपना नेक्स्ट काम करने के लिए। अरिन भाई हमारा नेक्स्ट काम क्या है? भाई नेक्स्ट काम कुछ ऐसा है ना कि मैं तुझे बताने की जगह दिखाना चाहता हूँ, आई मीन दिखाना नहीं सुंघाना चाहता हूँ। अरिन भाई क्या सुंघना पड़ी गई? नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन गाइस मैं आपको बताता हूँ
कि आजकल के ना जो पब्लिक वॉशरूम है भाई, वो ऐसे हो चुके हैं कि भाई बहुत मुश्किल हो चुका है वहाँ जाना। तो अपन वहाँ पर जाके उसकी कंडीशन ठीक करके काफी सारे नए नए टॉयलेट लगाने वाले हैं। तो गाइस उसके लिए मैंने एक मस्त ही जगह चूज करी है, अभी अपन वहाँ पे चल के देखते हैं। ऑलराइट गाइस, हम फाइनली अपनी पोजीशन पे पहुंच गए, ये वाली जगह थी। और गाइस मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिटरली अगर आपको दूर टॉयलेट जाना है ना, तो यहाँ से कम 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है भाई, इसलिए ये लोग खुले में ही कर देते हैं कहीं भी जाके। हाँ अंकल, आप मुझे फोन पे क्या बता रहे थे बताओ? अरे देखो, यहाँ पर आसपास कोई टॉयलेट ही नहीं है, अगर हमें करना है टॉयलेट तो हम कर ही नहीं सकते, नहीं तो हमें कहीं भी जाकर खुले में पेड़ पौधों को पानी देना पड़ता है, उससे यहाँ पर बहुत गंदगी हो गई है। कल ही हमने एक बंदे को पकड़ा था, वो झाड़ के पीछे पॉटी कर रहा था। अब टॉयलेट नहीं है तो और क्या होगा? गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो काफी सारे टॉयलेट्स ना प्लांट करने पड़ेंगे, और आसपास में दूर दूर में टॉयलेट है वो सारे बहुत गंदे रहते हैं, तो उन्हें साफ करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल सरप्राइज रखा हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, रुको। हाँ गार्ड, जल्दी से सरप्राइज ले आ। ऑलराइट, आप लोग अपने पीछे मुड़ के देखो। पीछे? अरे ये क्या कमोड, इतना सारा कमोड कहाँ से आ गया? अरे मतलब इस कमोड के साथ आसपास में जो वॉशरूम बनाने के लिए एक बढ़िया सा 4 दीवारी भी खड़ा होगा, और आप लोग का एक छोटा सा वॉशरूम तैयार हो जाएगा। बट एटलीस्ट अभी के लिए हम कमोड ला दिए, बाकी का काम भी हो जाएगा। अरे वाह, चलो जिंदगी में पहली बार इसका इस्तेमाल करके देखता हूँ। अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी है। गाइस अभी फिलहाल हम लोग बाजू वाली जगह पे जाकर देखते हैं, क्योंकि वहां पर भी बहुत बुरी हालत है। ओए आ रहा है क्या? आऊंगा नहीं तो कह जाऊंगा जिन भाई, वैसे भी यहाँ पर तो इतनी सारी टॉयलेट है कि मैं उन टॉयलेट की बदबू से मुक्त हो जाऊंगा। अरे भाई क्या बोल रहा है गाइस, लेकिन अभी हम लोग का काम खत्म नहीं हुआ है, हम लोग को अभी काफी सारी जगह जाके वहाँ पे और साफ सफाई करनी है, क्योंकि गाइस आफ्टर ऑल यहाँ पे गंदगी रहना बहुत बुरा बात, क्योंकि गाइस अगर वॉशरूम में बहुत ज्यादा देर तक गंदगी रहती है तो वहाँ से काफी स्मेल आती है, उसके कारण पब्लिक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अपन वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं गाइस, लेट्स गो, अपन फटाफट उस जगह पे जाते हैं, वहाँ भी काफी सारी प्रॉब्लम्स है। अरे यार, जब आर्यन ने मुझे बताया कि वो एक दिन के लिए ऐसे सारे बढ़िया बढ़िया काम करने वाला है, तो मैंने तो सोच लिया था कि ये मस्त होगा, एकदम मस्त, और मैंने भी उसे सपोर्ट किया। मैंने उसे सपोर्ट करने के लिए 1000 रुपए दिए यार। हाँ वो बात अलग है कि उतना तो उसकी गाड़ी में पेट्रोल लग जाएगा, लेकिन गाइस मुझसे जितना हुआ मैंने मदद करी है। अगर आप भी हमारी और मदद करना चाहते हो तो वो लाइक वाला बटन दबाकर हमारी मदद करो। ऑलराइट गाइस, अपना वो काम तो हो गया, अब हम जाएंगे स्कूल। मुझे स्कूल नहीं जाना है अर्जुन भाई। अरे भाई तेरे स्कूल नहीं जाएंगे। गाइस अपन जाने वाले एक ऐसे स्कूल जहाँ पे भाई खाने की कोई सुविधा ही नहीं है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। हम लोग फटाफट स्कूल पे चलते हैं पहले तो। ऑलराइट गाइस, अपन यहाँ पे स्कूल पहुँच चुके हैं, और मैं आपको एक बात बताता हूँ गाइस, ये वाले स्कूल से हमारी काफी सारी यादें भी जुड़ी है, अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट से बताओ। बाकी गाइस अपन अंदर जाते हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या हो रखी है, मतलब स्टूडेंट से ही बात करके देखते हैं अपन समझ जाएंगे। अरे आर्यन भाई कैसे हो तुम? अरे मैं बढ़िया हूँ भाई, क्या प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे? अरे यार हमारे यहाँ पे खाने पीने का कोई सुविधा ही नहीं है, हमारे यहाँ पे कैंटीन ही नहीं है भाई, अगर यहाँ पे खाने की समस्या खत्म हो जाए तो हम खाने को छोड़ के पढ़ने पे ध्यान लगाएंगे भाई, यहाँ पे कैसे भी करके हमारे स्कूल में प्रिंसिपल से बात करो भाई, और कैसे भी कैंटीन लगाओ यार। अरे ऐसा है क्या? ठीक है, मैं अभी तुम्हारे प्रिंसिपल से ऐसे भी मीटिंग के लिए जा ही रहा था, देखते हैं हो सकता है वहाँ पे अच्छे से मीटिंग जाए और तुम्हारे वापस कैंटीन आ जाए यार। अर्जुन भाई लेकिन कैंटीन को चलाने का पैसे कौन देगा? अरे अपन कब काम आएंगे भाई? अरे भाई हमारे प्रिंसिपल बहुत टेढ़े खीर है भाई, अच्छे से बात करना। अरे भाई अपन कौन सी सीधी खीर है गाइस, अपन क्या है ना प्रिंसिपल से एक बार ना अच्छे से सेटिंग कर लेते हैं, ये यहाँ के बेचारे बच्चे लोग काफी समय से गाइस परेशान हो रखे। ऑल राइट वो रहे प्रिंसिपल सर। हाय सर, गुड मॉर्निंग, याद है मैंने आपसे कॉल पे एक बार मीटिंग ली थी? अरे मैंने तुम्हें मना किया था फिर भी पहुंच गए, कैसे टपोरी हो यार? अरे टपोरी कहाँ से हो गया भाई, मैं तो ये पूछ रहा था सर कि आपके यहाँ पे कैंटीन नहीं है यार, आपको नहीं लगता कि बच्चों को बहुत तकलीफ होती होगी? अरे बच्चों को तकलीफ होती होगी, बच्चे जाने घर से टिफिन क्यों नहीं लाते हैं? अरे यार सर आधे से ज्यादा बच्चे तो यहाँ पे हॉस्टल पे रहते हैं, वहाँ पे तो खाने का कुछ है नहीं, और टिफिन लाना तो कितना मुश्किल है। यहाँ पर अगर एक कैंटीन खुलवा दे, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ
कि आप बस परमिशन दे दो, पैसे और कैंटीन के लिए जो भी लगेगा वो सारा कुछ मैं करा लूंगा, क्या बोलते हो? अरे वाह, पैसे तुम दोगे? जो करना है करो, पैसे दोगे तो जो करना है करो। अरे भाई ये कैसे सर थे। ठीक है सर, अगर आपने परमिशन दे दी हो तो फिर मैं अपना काम कर लूंगा। हाँ पूरी परमिशन है, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ बताओ सर, क्या हो गया? मुझे फ्री में खाने की परमिशन चाहिए, हमेशा के लिए मैं फ्री खाना खाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, आप फ्री में ठूस लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट गाइस, अगर हम लोग सर को फ्री में खाना खिलाते हैं तो यहाँ के भाई स्टूडेंट जो बच्चे लोग हैं वो कैंटीन में पैसे देकर ही सही पर खा तो सकेंगे। अभी तो इन बच्चों पे कोई खाने की फैसिलिटीज नहीं है। तो गाइस अपन फटाफट चलते हैं और यहाँ पे कैंटीन के लिए ना परमिशन मिल गए, बताए थे। ओए छोड़े भाई, कैंटीन के लिए हम लोग को परमिशन मिल गया, समझ रहा है? अरे वाह भाई, आपने तो हमारा बहुत बढ़िया किया भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई। अरे वेलकम वेलकम। ऑल राइट गाइस, मैं यहाँ पे अपने गार्ड्स वगैरह को कॉल कर देता हूँ। हाँ भाई, कैंटीन के लिए जो व्यवस्था गवर्नमेंट ने करी थी ना वो सारे अरेंजमेंट इधर कर दे। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे कैंटीन के खाने पीने की सारी व्यवस्था हो गई है और यहाँ पे वैसे ही फूड्स है गाइस, जो कि ना यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट जो रहते हैं उनको काफी पसंद है। वो देखो गाइस, छुट्टी भी हो गई है, बेल की आवाज भी आ गई है, यहाँ पे बढ़िया फास्ट फूड है और यहाँ पे हॉट डॉग्स है। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे कॉलेज वॉलेज खुलेगा, जैसे ही यहाँ पे छुट्टी होगी यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है। अपन फिलहाल के तो यहाँ से निकलते हैं। अरविंद भाई जरा पीछे देखो, बहुत भीड़ हो गई है। वेट, ओ भाई गाइस, यहाँ पे स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो गया। अच्छा वो अपन यहाँ से जल्दी निकल गए, अपन फटाफट चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करने के लिए गाइस। वो एक्चुअली में ना काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, मजेदार से ज्यादा तो खुशी मिलने वाली है उसे करके हमें, इसलिए अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। ऑल राइट गाइस, अपन पहुंच गए। तो ये है ओल्ड एज हाउस। तो गाइस ये ओल्ड एज होम जो है ना, यहाँ पर काफी सारे लोग रहते हैं बट इनसे मिलने गाइस कभी भी कोई नहीं आता है। इनके जो बच्चे थे वो तो इन्हें छोड़ दिए हैं, लेकिन गाइस इनसे लिटरली कोई भी मिलने नहीं आता है, इसलिए आज हम लोग मिलने आए हैं। और दादाजी लोग, हम लोग आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए हैं, लाइक लिटरली ऐसे ऐसे गिफ्ट है ना कि आप लोग क्रेजी हो जाओगे। तो दादाजी, हमारा सबसे पहला गिफ्ट है आपके लिए, जल्दी आइए और आप ये गिफ्ट खोल के देखिए। एंड मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि आपको ये गिफ्ट पसंद आएगा। अरे ये तो साइकिल है बेटा, मेरी उम्र देखो, मैं कहाँ से ऐसा कर पाऊंगा। अरे आप चला के देखो, इसमें मैंने नाइट्रो लगाया, आपको पैडल नहीं मारना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत तेज है, कहीं पर एक्सीडेंट ना हो जाए, इसमें ब्रेक कैसा लगता है? अरे वाह, इसका ब्रेक भी बढ़िया है, ऐसी साइकिल मुझे पहले क्यों नहीं मिली, इस साइकिल से तो मैं दूसरे कंट्री भी जा सकता हूँ। वाह बेटा, मैं बहुत खुश हुआ, मुझे साइकिल बहुत पसंद आई। अरे वाह दादाजी, बहुत अच्छा। ऑल राइट अंकल जी, नेक्स्ट गिफ्ट जो है आपके लिए, खोल के देखो, ये बड़ा भी हो सकता है इसलिए थोड़ा सा दूर हो जाओ क्योंकि इसे कुछ भी निकलता है। ऑल राइट व्हाट? अरे बेटा, बुड्ढे को जवानी याद दिला दी, मुझे मेरे जवानी के दिन याद आ रहे हैं बेटा, लगता है। अरे अरे यार, दूर का तो मुझे दिखाई ही नहीं देता, मैं चश्मा घर पे भूल गया। हाँ मुझे लगता है कि उनके लिए ये इतना अच्छा भी गिफ्ट नहीं था। वेल गाइज, यहाँ पे तो हमारे पास और भी काफी सारे गिफ्ट हैं। आप लोग यहाँ पर देखो। तो गाइज हम यहाँ पे बाकी के गिफ्ट छोड़कर जा रहे हैं ताकि यहाँ के जो अंकल लोग हैं वो अपने गिफ्ट अपने आप ही चूज कर ले, क्योंकि गाइज हम लोग को अभी एक और एक बहुत ही बढ़िया चीज करने जा रहे हैं अभी। काइंड ऑफ गाइज हम लोग टैलेंट शो देखने जा रहे हैं, बट वो टैलेंट शो कहाँ पर है वो देख कर आप लोग शॉक हो जाओगे। ऑलराइट गाइज, घूमते घामते हम लोग फाइनली आ चुके हैं इस जगह पे। यहाँ पे मैंने काफी सारे लोग को ऑलरेडी बुला कर रखा है और यहाँ पे शिनचैन चॉप भी आ रहे होंगे बाकी का सारा सामान लेकर। और गाइज फाइनली हमारा पूरा दिन एंड भी होने आया है। तो गाइज अगर आप देखो तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत जरूरतमंद है। ऑलराइट, तो आप लोग सब तैयार हो? गाइज मैंने इन सबको बोला था कि आप लोग कुछ पोयम या कुछ शायरी या कुछ भी टैलेंट अपना ना तैयार करके रखो, हम लोग आपके टैलेंट देखेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग आपको कुछ फूड राशन ये सब देंगे। हालांकि गाइज मैं देने तो सबको ही वाला हूँ, लेकिन अगर ये लोग अपना टैलेंट दिखाएंगे और फिर इन्हें कुछ मिलेगा ना तो इन्हें काफी बढ़िया लगने वाला है। तो लेट्स सी गाइस कौन क्या टैलेंट दिखाने वाला है। ओके अंकल जी, आप अपना टैलेंट दिखाइए। ठीक है, बहुत छोटा है, मेरा नाम है जोगा, मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि कल खाने का इंतजाम कैसे होगा। ठीक है, हम आपको काफी सारे खाने का इंतजाम कर देंगे। अरे भाई हम लोग आ गए हैं।
ऑलराइट गाइस, यहाँ पे शिनचैन एंड चॉप लोग भी आ गए अपने खाने पीने का सामान लेकर, तो अब ये लोग खाते रहेंगे। और गाइस मुझे लगता है मैंने इनका टैलेंट पूछ के ना गलती कर दी गाइस। यहाँ पे तो गाइस अगर इन्हें सबसे पहले खाना ना मिले तो भाई काफी मुश्किल हो जाएगी। तो गाइस हम लोग तो इनकी हेल्प कर ही रहे, लेकिन आप भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, सब्सक्राइब वाली प्रॉब्लम। गाइस काफी सारे लोग ने अभी भी नहीं किया है, तो अगर आप भी सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अपन मिलने वाले हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।